26 का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, 26 वाले चैप्टर के अंदर हमने जो टॉपिक ले रखा है वो टॉपिक क्या ले रखा है, ब्रेन ले रखा है। हम लोगों ने ब्रेन की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर ली है। यदि अपना टॉपिक टोटल क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन ही चल रहा है। तो ब्रेन को बता दिया कहाँ सिचुएटेड होते हैं, ये बात हमारी हो गई थी ब्रेन की। फिर ब्रेन के चारों तरफ 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ड्यूरामेटर, आर्केनोइड और पायामेटर। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता रहता है। तो ह्यूमन ब्रेन डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द फोर ब्रेन, सेकंड इज द मिड ब्रेन एंड थर्ड इज द हिंड ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में डिवाइड होता है। देखिए जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के अंदर एक पार्ट तो जाता है सेरिब्रम। कौन सा हो जाता है, सेरिब्रम। जो देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये कंप्लीट पोर्शन को क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोला जाता है। फिर एक हो गया थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस को एक साथ बोला जाता है डाइएन्सेफेलोन। क्या बोलते हैं, डाइएन्सेफेलोन बोला जाता है। यानी कि देखिए 3 पार्ट्स हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसमें कितने पार्ट्स है, फर्स्ट तो है सेरिब्रम, फिर है डाइएन्सेफेलोन। जो डाइएन्सेफेलोन वाला जो पार्ट है उसमें फिर 2 पार्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं, एक तो हो गया थैलेमस और एक क्या हो जाता है, हाइपोथैलेमस हो जाता है। तो आप या तो सीधे सीधे ऐसे बोल सकते हो कि फोर ब्रेन डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। या ऐसे बोल सकते हो कि सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलोन है और डाइएन्सेफेलोन में कितने पार्ट हो जाते हैं, 2, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर एक स्मॉल सा पोर्शन क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। फिर कौन सा होता है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में फिर पार्ट है सेरिबेलम, देखिए ये वाला सेरिबेलम है। फिर ये रहा पोन्स और ये क्या है, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा मिलकर के क्या बनाते हैं, हिंड ब्रेन बनाते हैं। तो आज हम जिसकी स्टडी करेंगे वो रहेगा फोर ब्रेन। तो टॉपिक क्या लेते हैं, फोर ब्रेन की बात करते हैं। तो देखिए फोर ब्रेन के अंदर, यानी फोर जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन का 2 से 3 पोर्शन को कवर करता है। यानी कि 2/3 पोर्शन किसका होता है, फोर ब्रेन का होता है। फोर ब्रेन के अंदर भी एक हम क्या लेते हैं, सेरिब्रम। क्या लेंगे, सेरिब्रम की बात करेंगे इस टॉपिक के, यानी सेरिब्रम की स्ट्रक्चर की बात करते। एग्जाम में सेरिब्रम की स्ट्रक्चर अलग से भी पूछ ली जाती है। तो सेरिब्रम जो होता है, ये देखिए ये कंप्लीट जो रेड कलर के अंदर मैंने बना रखा है डायग्राम में, ये कंप्लीट क्या है, सेरिब्रम है। तो आपको दिखने में लग रहा है ये सबसे कितने पार्ट्स को कवर किए हुए है, तो यानी ब्रेन का ये सबसे डेवलपिंग पार्ट होता है और लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेरिब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन का डेवलपिंग और लार्जेस्ट पोर्शन होता है। अब जो ये सेरिब्रम होता है इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक तो हो जाता है राइट पार्ट, कैसा हो गया, एक तो हो गया राइट पार्ट और एक इसका क्या हो जाता है, लेफ्ट पार्ट हो जाता है। एक कौन सा हो गया, राइट पार्ट और एक हो गया लेफ्ट पार्ट। अब दिखने में देखो कंप्लीट अगर आप इसको देखोगे तो स्फीयर के जैसे दिखाई देते। तो एक तो हो गया राइट हेमिस्फीयर और एक हो जाता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, यानी राइट हेमिस्फीयर और एक हो जाता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब ये जो स्फीयर होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं एक प्लेट के थ्रू। 2 हेमिस्फीयर जॉइंड बाय ए प्लेट, दिस प्लेट इज नोन एज द कार्पस केलोसम। ये बात ध्यान में रखना कि जो सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर है
एक प्लेट से जॉइंटेड रहते हैं, उस प्लेट्स को क्या बोलते हैं, कार्पस केलोसम बोलते हैं। बाकी देखिए यहाँ से बिल्कुल क्या, अब ये जो हेमिस्फीयर होते हैं, जो भी स्फीयर बने हुए हैं सेरिब्रम के, वो एक प्लेट से जुड़े, उसको बोलते हैं कार्पस केलोसम बोला जाता है। फिर देखिए ये जो हेमिस्फीयर होते हैं, जैसे ये रहा पोर्शन, इस स्फीयर के अंदर ऐसे क्या प्रेजेंट है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी बोल सकते हो आप लोग, जिक जैक की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होती है, नर्व पाई जाती है, यानी जिक जैक की फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे नर्व प्रेजेंट होती है। तो ये नर्व प्रेजेंट होने की वजह से इसमें देखिए कुछ ऐसे उभार पाए जा रहे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से, ये वाला पार्ट है यहाँ पर ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, तो उनको बोलते हैं रिज्ड या बोलते हैं गेरी। तो आप ध्यान में रखिएगा कि सेरिब्रम का गेरी वाला कौन सा पार्ट होता है, बाहर की तरफ उभार होते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए अपन ऐसे बनाते, ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया, फिर ऐसे, यानी ये तो बीच में खाच हो जाती है, ग्रूव हो जाती है। तो ग्रूव की वजह से जो ऐसे उभार बने ऊपर की तरफ, उन उभार को क्या बोलते हैं, गेरी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, गेरी बोलते हैं। और अब जो अंदर की तरफ जो, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, ये जैसे खाच है, ठीक है, ये तो है ग्रूव, यानी अंदर की तरफ दृष्टि। अब ये वाले पोर्शन ऐसे ऊपर उठे हुए रहते हैं, तो जो पोर्शन ऊपर उठा हुआ रहता है वो तो हो गया गेरी, अंदर वाले जो ग्रूव बन गए ना, उस ग्रूव को क्या बोलते हैं, सल्प, क्या बोलते हैं, शल्क बोलते हैं, शल्कस, यानी प्लूरल वर्ड तो हो जाएगा सल्कस, सल्कस, और सिंगुलर वर्ड क्या हो गया, शल्क। तो आप ध्यान में रखोगे जो उभार आते हैं उनको गहराई बोला जाता है, जो खांच बनी हुई है, ग्रूव बनी हुई है, उन ग्रूव को क्या बोलते हैं, शल्कस बोलते हैं। फिर अपन ये देखते हैं कि ये लाइनें जितनी ज्यादा होगी, ये नर्व जितनी ज्यादा होगी, वो ह्यूमन उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। तो ये जो रिज्ड बने हैं, शल्कस और गराइज जो प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से इंटेलिजेंसी को देखा जाता है। फिर आगे कार्पस केलोसम हमारे पास में हो गया, जो क्या है, इवल्सन बने हुए उभार को क्या बोलते हैं, इवल्सन, तो इवल्सन को गराई बोलते हैं। जो ग्रूव बनी हुई उन ग्रूव को क्या बोला जाता है, सेल्काई बोला जाता है। फिर अपन ये देखते हैं कि जो ईच स्फीयर जो होगा वो अंदर से कैसा है, खोखला ही होलो है, ये वाले पार्ट कैसे होते हैं, होलो होते हैं। अब देखिए इनमें बाहर की तरफ तो नर्व सेल्स तो है ही, अब नर्व सेल्स का जो साइटोन वाला जो पोर्शन होता है, यानी जो सेल बॉडी होता है, वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, तो आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर क्या बोल दिया, कॉर्टेक्स, जो ये स्फीयर बने हुए स्फीयर के आउटर वाला जो पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, और जो किस यहाँ पे कौन सा फ्लूइड भरा हुआ होता है, ग्रे कलर का, तो ग्रे मैटर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, सेल बॉडी प्रेजेंट होती है नर्व सेल्स की। जो इनर वाला होगा अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, एक्सोन वाला पॉइंट प्रेजेंट होता है, एक्सोन होने की वजह से ये कौन सा मैटर हो गया, व्हाइट मैटर हो जाता है, जिसको कौन सा पोर्शन बोलते हैं, मेडुला पोर्शन बोला जाता है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, सेरिब्रम की स्ट्रक्चर होगी। फिर अपन ये देखते हैं कि जो सेरिब्रम वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे इसकी, जैसे यहाँ पे बर्फ कर दे, यहाँ पे सेरिब्रम वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे टू लोब प्रेजेंट होती है, ये जो टू लोब प्रेजेंट होती है इनको बोलते हैं ऑल्फैक्ट्री लोब, ऑल्फैक्ट्री लोब बोला जाता है, सेरिब्रम, जो सेरिब्रम वाला पोर्शन होता है वहां पे टू लोब प्रेजेंट, उनको ऑल्फैक्ट्री लोब बोलते हैं। ये जो लोब होती है ये स्मेल स्टिम्युलस करती है, यानी जो स्मेल होते हैं ना उस इंफॉर्मेशन को लेती है ऑल्फैक्ट्री जो लोब होती है। तो ये हो गया। अब सेरिब्रम के फंक्शन क्या क्या हो, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, ब्रेन का लेबल डायग्राम आएगा, सेरिब्रम की स्ट्रक्चर पूछी जाएगी और सेरिब्रम के फंक्शन पूछे जाएंगे, या फिर मिड ब्रेन से रिलेटेड फंक्शन पूछ ले वो आपसे, यानी कंप्लीट तीनों पार्ट का एक साथ आंसर नहीं आता है। अब इसके फंक्शन क्या क्या है, देखिए सेरिब्रम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये किसका सेंटर होता है, ये
जो माइंड्स होते हैं, यानी अपन जो भी थिंकिंग करते हैं, कॉन्जीनियस करते हैं, जो भी प्लान बनाते हैं, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? सेरी ब्रह्म करता है। फिर जैसे भी हमारी वॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रेक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी कंट्रोल कौन करेगा? सेरी ब्रह्म करेगा। फिर जैसे हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, आई है, ईयर है, नोज है, यहाँ से आने वाली इंफॉर्मेशन भी कौन लेगा? सेरी ब्रह्म वाला पोर्शन लेगा। तो ये सेरी ब्रह्म के क्या हो जाते हैं? फंक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में अपना क्या था? एक तो सेरी ब्रह्म था और सेकंड क्या था? डाई एन सेफेलोन। क्या था? डाई एन सेफेलोन। डाई एन सेफेलोन। डाई एन सेफेलोन। अब देखिए, डाई एन सेफेलोन के अंदर एक तो इंक्लूड करते हैं थेलेमस, जो ये रहा थेलेमस वाला पोर्शन, एक लेते हैं हाइपोथेलेमस। थेलेमस और हाइपोथेलेमस, वैसे पार्ट ये किसके हैं? फोर ब्रेन के ही पार्ट है। तो देखिए, जो थेलेमस वाला जो पोर्शन होता है, ये रहा ना थेलेमस, तो थेलेमस वाला जो पोर्शन होता है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये देखिए, ये क्या था? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के पोस्टीरियर साइड के अंदर प्रेजेंट, नीचे की तरफ प्रेजेंट है। और साथ साथ में जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन कहाँ है? ये रहा। तो मिड ब्रेन के भी कहाँ प्रेजेंट होता है? ये बीच में प्रेजेंट है। यानी कि मिड ब्रेन और सेरिब्रम के बीच में क्या पाया जाता है? थेलेमस प्रेजेंट होता है। अब थेलेमस के अंदर जो के, अब देखिए उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि पहले एक बार डाइएन्सेफेलोन की बात कर लेते हैं। डाइएन्सेफेलोन में क्या क्या है? देखिए, थेलेमस और हाइपोथेलेमस। तो थेलेमस और हाइपोथेलेमस कहाँ पाए जा रहे हैं? ये तो हो गया सेरिब्रम और ये हो गया मिड ब्रेन। तो सेरिब्रम और मिड ब्रेन के बीच में क्या पाया जाता है? डाइएन्सेफेलोन पाया जाता है। ये जो डाइएन्सेफेलोन होता है, इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है। तो डाइएन्सेफेलोन की जो कैविटी है उसको बोलते हैं डायोसील। ये याद रखना, डाइएन्सेफेलोन की कैविटी क्या है? डायोसील बोला जाता है। अब इसमें जो डायोसील है, ये फोल्डेड होकर के क्या बनाती है? कोरोइड फ्लेक्सेस बनाती है। क्या हो जाती है? फोल्डेड। और फोल्डेड होकर क्या बनाती है? कोरोइड फ्लेक्सेस बनाती है। चलिए, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं थेलेमस की। ये रहा थेलेमस हमारे पास में। तो जो थेलेमस होता है, इसकी शेप कैसी होती है? थोड़ी सी ऐसे ओवेल शेप होती है। कैसी होती है? ओवेल शेप होती है जो थेलेमस होता है उसकी। फिर उसके बाद में इसका फंक्शन क्या है? तो इसका क्या काम होता है? जो मोटर नर्व है और सेंसरी जो नर्व होती है उसको कंट्रोल करता है। बस इतना ही काम है इसका, सेंसरी नर्व है और मोटर जो नर्व होती है उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? थेलेमस का होता है। चलिए, फिर उसके बाद में देखते हैं हाइपोथेलेमस। इस वाले पोर्शन की बात करते हैं हाइपोथेलेमस की। तो जो हाइपोथेलेमस वाला जो पार्ट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये देखिए, ये सेरिब्रम के तो बेस पे और थेलेमस के बिलो प्रेजेंट होता है। अब जो हाइपोथेलेमस होता है, यहाँ देखिए ग्लैंड बनी हुई है, प्यूट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? प्यूट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जो हमें थ्रस्ट है, हंगर है, भूख लगी हुई है हमें, हमारे जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, फेसेस एक्सप्रेशन होते हैं, जो भी डिजायर होती है, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथेलेमस करता है। हाइपोथेलेमस का एक मेन फंक्शन ही होता है, ये हमारे जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम किसका है? हाइपोथेलेमस का। ये अपने 11th क्लास के अंदर बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। तो बॉडी टेम्परेचर करता है, साथ ही साथ में जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम किसका? हाइपो। देखिए, थ्रस्ट, हंगर, इमोशन, डिजायर, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हाइपोथेलेमस का होता है। तो जैसे छोटा क्वेश्चन भी तो हो सकता है कि जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल, कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? हाइपो
थैलेमस वाला पार्ट करता है। तो ये टॉपिक था फोर ब्रेन का। नेक्स्ट जब भी अपन स्टडी करेंगे तो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की स्टडी करेंगे।